ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू एसएसबी टेक एग्जाम्स। टुडे इज क्लास फर्स्ट ऑन रीजनिंग एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज वर्बल एनालॉजी। हमने ऑलरेडी ये क्लास एक बार हम लोग कर चुके हैं अक्टूबर में, बट अब यहाँ पे क्या स्पेशल होने वाला है। पहली बात तो आपका ये फटाफट 45 डेज में कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लास भी आपको मिलेगी और फिर होगी क्वेश्चंस की क्लास। तो आज है हमारी फर्स्ट क्लास, दैट इज कॉन्सेप्ट की क्लास। पहले एक बार आपका स्केड्यूल देख लेते हैं। ये तो लास्ट क्लास है आपकी, ठीक है। आज की मेरी मैथ्स की क्लास थी 4 PM पे, फिर अनुराधा मैम की क्लास थी 5:30 पे इंग्लिश की, इसके बाद स्टैटिक जीके की क्लास थी और अब ये क्लास है। शुभ सुबह भी आपकी क्लास होती है 8 AM पे। करंट अफेयर्स चल रहे, ईयरली रिव्यू चल रहा है, आज पार्ट 2 था बाय प्रतीक सर, और डिफेंस अपडेट्स का भी ईयरली रिव्यू चल रहा है। आज इंडियन आर्मी स्पेशल था पार्ट 2 बाय दिव्यांशु सर। ये दोनों क्लास आप जरूर अटेंड करो, खासकर ये डिफेंस अपडेट्स वाले तो जरूरी करना है एफकैट वाले बच्चों को, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं एनालॉजी। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? एक बार फटाफट बता दो। ठीक है, ओके, तो चलो शुरू करते हैं फिर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एनालॉजी का, कि एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी और करस्पॉन्डेंस, दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स, ठीक है। क्वेश्चंस लगाते हो तो पता तो रख चल जाता है कि क्वेश्चन देख के करना क्या, बट बेसिकली है क्या एनालॉजी और कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस एनालॉजी में, आज हम ये डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स इज गिवन एंड अनदर सिमिलर रिलेशनशिप मस्ट बी आइडेंटिफाइड। जैसे कि मैंने बोला था ए इज टू बी दिया हुआ है प्रोपोर्शन टू सी इज टू व्हाट, तो आपको पता है कि एक एक का सीक्वेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा, डी आ जाना चाहिए, राइट। देर आर मेनी वेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप लाइक क्वांटिटी एंड यूनिट, वर्कर एंड टूल्स, कॉज एंड इफेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंट्री, कैपिटल, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। हम टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से सब टॉपिक से हमारी एनालॉजी बन सकती है। उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, इंडिया इज टू न्यू दिल्ली इन द सेम वे भूटान इज टू। पहले आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है और उसके बाद बताना। थिम्पू आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड। ये देखो कैपिटल का रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, तो सिमिलरली भूटान में भी थिम्पू हो जाएगा, कैपिटल का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। आप इसका एक बार सोल्यूशन देख लो, रिलेशनशिप क्या है कंट्री कैपिटल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रशिया नॉर्वे, सो कैनेडा इज टू व्हाट। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, फिर यूएसए आ रहा है, ओके वेरी गुड, रशिया नॉर्वे। या अब आप बताओ कि इसमें कौन सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। हाँ, सबका ही यूएसए आ रहा है, नेबरिंग कंट्री, वेरी गुड दीपक। रशिया की बॉर्डरिंग बॉर्डर पे होता है नॉर्वे और कैनेडा के बॉर्डर पे यूएसए, ठीक है, वेरी गुड। चलो, कंट्री बॉर्डरिंग नेशंस, वेरी गुड। थर्ड, जापान इज टू येन इन द सेम वे पीसो इज टू व्हाट। हाँ, फिलीपींस आ रहा है दीपक का, और फिलीपींस आ रहा है धनेंद्र का, वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। और यहाँ पे तीन, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, करेंसी और कंट्री, कंट्री करेंसी का रिलेशनशिप, ठीक है। चलो अब हम टॉपिक वाइज शुरू करते हैं एक एक। कि पहला है एनोलॉजी हमारी ऑक्यूपेशन की, ठीक है। रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन, वर्क एंड जॉब प्रोफाइल्स, इसमें क्या है, अगर आपको दिया हुआ है डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप इन द सेम वे स्टूडेंट इज टू व्हाट, ऑप्शन में अगर बुक और पेन है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन या उनके वर्क कल्चर से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है। इन द सेम वे इंजीनियर इज टू स्केल, देन टीचर इज टू ब्लैक बोर्ड और चॉक हो सकता है, या इंजीनियर इज टू साइट हो सकता है, तो स्टूडेंट इज टू क्लास हो सकता है। इंजीनियर साइट पे काम करता है, स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है, या टीचर क्लास में काम करता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लर्क इज टू ऑफिस, वॉरियर इज टू, बताओ जल्दी जल्दी, वॉरियर्स, वॉरियर इज टू व्हाट, बैटल फील्ड, वेरी गुड, वॉरियर इज टू बैटल फील्ड। नेक्स्ट, एक्टर इज टू स्टेज, व्हाट इज, क्वेश्चन मार्क इज टू ऑब्जर्वेटरी, डी आ रहा है हिमांगी का, एस्ट्रोफिजिस्ट, ओके। और बताओ, ऑब्जर्वेटरी में कौन रहता है, टेलीस्कोप के सामने कौन रहता है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का क्या काम होगा टेलीस्कोप के सामने, थोड़ा और सोचो। एस्ट्रोनॉमर नहीं लग रहा,
एस्ट्रोनॉट कहां? नहीं भाई, एस्ट्रोनॉमर जो स्टार्स वगैरह की स्टडी कर रहे हैं उनकी जरूरत, उनको पड़ेगा ना ऑब्जर्वेटरी की जरूरत। चलो नेक्स्ट, डैश इज टू एम्पायर इन द सेम वे थिएटर इज टू आर्टिस्ट। अब बताते हैं नंदिनी। हाँ दीपक का आ रहा है बी पिच। ओके हाँ वेरी गुड, पिच ग्राउंड मत कह देना ठीक है। चलो अब अगला टाइप है जेंडर्स, एनालॉजी इज टू जेंडर ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग जेंडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेल का होता है फीमेल, हैंडसम का ब्यूटीफुल, डॉग का मेल फीमेल वर्जन होता है बीच, इन द सेम वे कि न्यूट्रल न्यूट्रल वर्जन ऑफ मेल और फीमेल अगर दिया है तो पर्सन कह सकते हैं या पीपल कह सकते हैं। इन द सेम वे हैंडसम लिखा है तो आपको पता है कि ये मेल है, ब्यूटीफुल लिखा है तो आपको ये पता है फीमेल है, बट अगर लवली ग्रेट चेयर बुक कुछ भी लिखा है तो आप नहीं जान सकते कि ये मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेफ्यू इज टू नीस इन द सेम वे सर इज टू, यहाँ पे देखो मैडम, वेरी गुड, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसीलिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, डोंट वरी, क्वेश्चन अच्छे भी होंगे आने वाले हैं बस कॉन्सेप्ट के बाद ठीक है। नेक्स्ट, विजार्ड इज टू वॉच इफ डॉग इज टू बिच। बी आ रहा है, सबका ही बी आ रहा है, ओके वेरी गुड, विजार्ड इज टू बिच। जस्ट अ सेकेंड, विजार्ड इज टू बिच। नेक्स्ट, वाइफ इज टू स्पाउस देन वुमेन इज टू वॉट, ये बताओ। दीपक का सी है, कोहेली का ए है, मैन आ रहा है, श्रद्धा का सी, चलो ठीक है। वाइफ इज टू स्पाउस, वाइफ तो है हमारी फीमेल, लेकिन स्पाउस तो न्यूट्रल जेंडर है ना, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, स्पाउस मतलब पार्टनर। इन द सेम वे वुमेन तो आपकी है फीमेल, बट यहाँ अगर मैन रख देंगे तो मैन तो मेल हो जाएगा, हमें क्या चाहिए था, हमें न्यूट्रल चाहिए था। हाँ न्यूट्रल इज अ पर्सन ठीक है, वेरी गुड, हाँ न्यूट्रल जेंडर दीपक, वेरी गुड। अब अगला टाइप है एनिमल्स का, कैसा हो सकता है, या तो उसके पैक के बारे में पूछ सकता है, मतलब कलेक्टिव नेम कि डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, या फिर वो कहाँ रहते हैं, जैसे डॉग कैनन में रहता है, कैट केज में या कैट हाउस, बेयर टेन में या केव में ठीक है, वेल्स ओशियन में या वेलरी में। इन द सेम वे ग्रुप ऑफ वेल्स इज नोन एज स्कूल, कॉमन नेम स्कूल होता है, पॉड या कैम्प भी लिख सकते हैं, बेयर को स्लॉथ, कैट्स को क्लाउडर, डॉग्स को पैक। वॉट अबाउट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज ए सिंगल पर्सन ना, पर्सन इज द मोर करेक्ट फॉर्म। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है इससे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हॉर्स इज टू स्टेबल, अब बताओ ये ड्वेलिंग प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो हाइना इज टू वॉट। हाँ वेरी गुड, हाइना इज टू डेन। हाइव का बताओ, हाइव किसका होता है? हाँ बी का होता है, वेरी गुड। गैंग इज टू टर्कीज देन वॉट इज टू टाइगर, ये बताओ, वेरी गुड, एम्बुश, पैक ऑफ वुल्फ होता है, टाइगर्स का तो एम्बुश होता है ना, वेरी गुड, एम्बुश ठीक है। नेक्स्ट, आउस इज टू वॉट, पिग इज टू टीम, यह तो आपको याद होना चाहिए, वेरी गुड, इसका तो मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट इज टू आउस होते हैं ठीक है, पार्लियामेंट। चलो अब अगला भी एनिमल्स का है, लेकिन यहाँ पे किस बेसिस पे हो रहा है, साउंड नेम पर। डॉग क्या करता है, बार्क, कैट्स म्यू या फुर ठीक है, बियर ग्राउल करता है, वेल्स का बोलते हैं सॉन्ग, हालांकि वो गाना नहीं गाते बट उनके साउंड की नेम को सॉन्ग कहते हैं ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं, बी इज टू बज, सो एंटीलोप इज टू स्नॉट आ रहा है आंसर एक का हिमान के, ओके स्नॉट, स्नॉट एक तरीके से जैसे कुत्ते की आवाज होती है वो, या तो फिर खराटों की आवाज, दोनों को मिक्स कर दोगे ना उस तरह की कुछ आवाज होती है ठीक है स्नॉटिंग की।
जस्ट अ सेकेंड. ओके नेक्स्ट. क्रिकेट्स इज टू चर्प्स देन इकारस इज टू डी आ रहा है. ओके इकारस का हिंदी बताए कोई जल्दी से. सबने इसकी आवाज सुनी है, सबको पता है इसकी आवाज. एक तरीके का इंसेक्ट होता है ये भी. दीपक का भी डी आ रहा है. झिंगुर नाम सुना है किसी ने? हाँ उसी को बोलते हैं कि कार्डस. चलो नेक्स्ट. हाँ ट्रम्फेट इज टू एलिफेंट सो ब्लीड इज टू डी. सभी ब्लीड करते हैं. वेरी गुड. हाँ नेक्स्ट. अब अगला भी है एनिमल्स का. ओके सो एक सेकेंड. यहाँ पे सिनोनिम्स का हो रहा है यहाँ पे. ठीक है आप यहाँ पे देख लो इसके क्वेश्चन. शीप ब्लीड करते हैं. यस बर्ड इज टू चिक सो बफेलो इज टू. यहाँ पे ना ये थोड़ा सा गड़बड़ स्लाइड लग गई. यहाँ पे यंगर वंस की बात हो रही है तो बर्ड इज टू चिक तो बफेलो इज टू. हाँ काफ आ रहा है सी आंसर. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट कैमल इज टू काफ तो चिकन इज टू. ये तो बहुत आसान है. चिक वेरी गुड. डकलिंग इज टू डक सो काफ इज टू. अब इसका बताओ. काउ भी हो सकता है कैमल भी हो सकता है. हाँ ऑल ऑफ अबव. ठीक है डॉल्फिन के बच्चे को भी काफी कहते हैं. अब आता है एंटोनिम्स का. ठीक है आपको ये कराने का क्यों जरूरी था ये कराना ताकि आपको पता चल पाए कि किस किस टॉपिक से आपकी एनालॉजी बन सकती है क्या क्या रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है. क्योंकि एग्जाम में फिर ऐसा हो जाता है कि आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें सोचना पड़ जाता है कि कौन सा इसमें सिमिलैरिटी किस तरीके की बन रही है सिचुएशन क्या बन रही है वहां पे. ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स वो जानवर है तो कहाँ रहते हैं मेल फीमेल ऐसे करके कई सारे रिलेशन एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं. ठीक है चीप इज टू एक्सपेंसिव एंटोनिम्स का है आपको पता है. यहाँ पे अभी एग्जाम्पल्स में तो आपको पता है कि ये एंटोनिम्स का है या सिनोनिम्स का है तो हाई इज टू. हाँ वेरी गुड. लो नेक्स्ट. चलो एंड लिविन इज टू वॉट इफ एक्सटर्नल इज टू आर्काइक एटर्नल इज टू आर्काइक सॉरी डी आर एल यूड. ओके डी मोलर डी मोरलाइज एटर्नल इज टू आर्काइक. ओके जस्ट अ सेकेंड. एक सेकेंड. इररिलेवेंस इज टू disrespect then what is to fruitless. B आ रहा है fructus. okay fructus श्रद्धा का भी B है. okay fructus को क्या बोल सकते हो fruitful बोल सकते हो एक तरीके से. ठीक है कैसे याद कर सकते हो फ्रक्टस फ्रक्टोज होता है ना मीठा फ्रक्टोज ग्लूकोज शुक्रोज फ्रक्टोज पढ़ा होगा तो फ्रक्टस या फ्रूटफुल का मतलब होता है. यहाँ पे ये नॉट फ्रूटफुल है. ठीक है यहाँ पे देखो इर हाँ ठीक है इररेवरेंस और डिसरिस्पेक्ट ये दोनों सिनोनिम्स है. मैंने थोड़ी सी स्लाइड बदल दी आप एंटोनिम्स के ही उसी में फंसे हुए थे और आपने आंसर यहाँ पे गलत दे दिया इसीलिए. ठीक है यहाँ पे सिनोनिम्स की स्लाइड आ गई थी ये ध्यान दो क्या था क्वेश्चन. आपको लगा एंटोनिम बताना है फटाक से आपने एंटोनिम बता दिया आपने आगे वाला देखा ही नहीं.
इसीलिए मैंने कहा रुको एक सेकंड, स्लाइड मैंने चेंज की, क्योंकि आप लोग को तो देख रही थी ना, एक सीक्वेंस बन जा रहा है तो बस आप अपने आप से करते चले जा रहे हो। चलो बीच बीच में क्वेश्चन पलटना पड़ेगा, एम्प्टी इज टू जीरो देन ऑकवर्ड इज टू, अब तो पता ही चल गया सिनोनिम है। बी आर ए क्लम्सी, ओके वेरी गुड। पोलाइट इज टू कोर्टियस देन स्टाइल इज टू, सिनोनिम है ये तो, आप फटाफट बताओ। प्रेटी फैशन होगा ना, प्रेटी इज डिफरेंट थिंग एंड स्टाइल कर, स्टाइल इज डिफरेंट। जैसे कि ये अच्छा पेन को क्या हो जा रहा है बार बार। हाँ फैशन। अब अगला टॉप टाइप है यूनिट्स का, आपको ये स्लाइड दिखानी ही नहीं चाहिए जिससे आप लोग जान ना पाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस में आपको पता नहीं चलेगा। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ यूनिट, जैसे कि मास का गैलन जो होता है वो मास का होता है, ठीक है। टाइम सेकेंड, आवर्स, मिनट्स, अगर बैरल लिखा है तो वो वॉल्यूम का यूनिट बोल सकते हैं। टेम्परेचर का सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, आप एक पढ़े होगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला होता था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा वो क्वेश्चन में भी आ गया, वेरी गुड, मैंने तो इसका आंसर ही बता दिया। लेंथ इज टू मीटर, सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज टू, हाँ वेरी गुड। केल्विन इज टू अमाउंट ऑफ हीट, अब ये बताओ। मोल इज टू अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस, कि अमाउंट ऑफ हीट ऑफ सब्सटेंस, कि अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ सब्सटेंस, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे आपकी बेसिक क्लास 9 की केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है। मोल इज टू व्हाट, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस, ओके मुझे तो नहीं लगता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन द बॉडी, और वो होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन के इक्वल उसको लिया जाता है, ऐसा करके होता है ना कुछ। अमाउंट ऑफ वेट नहीं होता यहाँ पे। वो तो उसका मास हो जाएगा, यहाँ मोल की बात हो रही है। मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला बताओ। चलो हाउ टू कैलकुलेट द मोल इफ यू आर, इफ गिवेन, इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवेन एंड, नहीं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन के कहाँ चले गए आप लोग, केमिस्ट्री तो भूल गए। इफ मास इज गिवेन एंड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवेन, ऑफ द एलिमेंट इज गिवेन, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मान ले गिवेन वेट अपॉन मोलर मास, वेरी गुड, गिवेन मास अपॉन मोलर मास भी बोल सकते हो आप। ठीक है, गिवेन मास अपॉन मोलर मास। नेक्स्ट, न्यूटन इज टू फोर्स देन हेनरी इज टू, ये आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। इंडक्टेंस, ओके नेक्स्ट। अब स्पोर्ट्स एंड गेम्स का है, ठीक है, प्लेसेस ऑफ प्लेइंग रिलेटेड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये आपको बहुत जरूरी है। आप ये लिस्ट है, और केवल इतने ही नहीं बहुत सारे होते हैं, आपको आना चाहिए वो, क्योंकि अफकैट में ना ये पूछ लेता है, और डायरेक्टली पूछ लेगा कि मान लो कोई वर्ड दे देगा, अभी तो इसमें एरिना, इट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है, या विच गेम करके पूछ लेगा, या डायमंड इज रिलेटेड टू विच गेम। ये जरूर आते हैं, और आपको ये तैयार होना चाहिए, केवल इतना ही नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है वो, अभी तो खाली प्लेसेस ऑफ प्लेइंग है। इसके अलावा क्या आता है कि कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं, चेकमेट होता है चेस में, तो बहुत बेसिक सा था, फिर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। चलो बताओ, कोर्ट इज टू बैडमिंटन देन फील्ड इज टू, अब आपको दो गेम यहाँ फील्ड वाले दिख रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर देते हो आप लोग। सी आ रहा, अच्छा गोल्फ आ गया नंदिनी का, वही मैं सोच रही थी, गोल्फ का गोल्फ कोर्स होगा, बेसबॉल होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, धोनी इज टू क्रिकेट देन पीवी सिंधु इज टू व्हाट, वेरी गुड, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, बैडमिंटन। चलो नेक्स्ट है स्टडी या साइंस, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस साइंसेस, जैसे माइथोलॉजी इज स्टडी ऑफ मिथ्स, ठीक है, लिथोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स, मोन्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ माउंटेन्स, कार्डियोलॉजी इज स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शंस। चलो बताओ, एपिलॉजी इज द स्टडी ऑफ हनी बीज एंड साइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डॉग्स, वॉर्म्स नहीं डॉग्स, साइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डॉग्स, ठीक है। डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन, देन डेंड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, डेंड्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, एजिंग वगैरह निकालते हैं ना पेड़ की हम लोग,
ट्रीज होगा, कहाँ कहाँ रूट्स रूट्स करने लग गए हम लोग। डेंड्रोलॉजी से नहीं एज निकाल लेते रिंग्स वगैरह काउंट करके पेड़ के, ये भी तो होता है उसमें। चलो, लिथोलॉजी इज स्टडी ऑफ रॉक्स, तो लूडोलॉजी इज स्टडी ऑफ व्हाट? लूडोज। चलो बताओ। हाँ गेम्स। नेक्स्ट, अगला है नंबर। अब ये ऐसा होता है कि नंबर और अल्फाबेट वाला, जिसमें आपको खुद से दिमाग लगाना होता है कि नंबर में कौन सा रिलेशन बन रहा है, चाहे क्यूब का बन सकता है, स्क्वायर का बन सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ट्रिक लग सकती है वहां पे। यहाँ पे आता है आपका दिमाग का खेल, आप लोग कितना तेज सोच सकते हो और क्या क्या इसमें बना सकते हो। देखो, 256:252, सॉरी 456:452, देन 321:2, हाँ ये तो बहुत ही बेसिक था। 317 कैसे किया आपने? सिंपली यहाँ देखो, -4 कर रहे हैं तो ये आ रहा है, यहाँ पे भी -4 कर देंगे तो 317 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, 56:280, देन 4 व्हाट इज टू 475। नाइनटी फाइव आ रहा है सबका। ओके वेरी गुड, 95 × 5 कर दो तो 475 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 23:69, देन व्हाट इज टू व्हाट? सी आ रहा, अच्छा हाँ सी आ रहा, मुझे लगा बी कर रहे हो आप लोग। 67:201, यहाँ पे देखो (×3) का रिलेशन बन रहा है, तो आपको (×3) का ही निकालना था रिलेशन, तो (×3) के रिलेशन में ये और ये तो साफ ही बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, सो सी इज द आंसर। जस्ट ए सेकेंड, आंसर। नेक्स्ट, अगला है अल्फाबेट्स का, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फाबेट्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे इसके लिए आपको सबसे बेसिक चीज क्या पता होनी चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, स्टार्टिंग से भी और असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, A to Z और Z to A। जैसे अगर A का नंबर 1 है तो आपको ये भी बताना होना चाहिए कि A का उल्टा 26 नंबर आ सकता है, दैट इज Z लेटर भी आ सकता है। ठीक है, B का यहाँ पे Y आ सकता है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। बीच में कोई भी M का 13 है, आर का 18 है, कुछ कुछ का पता, मैं ये नहीं कह रही सारा याद कर लो, सब नहीं याद कर सकते, कुछ याद कर लो। जैसे अगर आपको पता है ना जे का 10 है और टी का 20 है, अगर आप कुछ कुछ याद कर लिए हो तो फिर उसके नियर अबाउट निकाल सकते हो जल्दी जल्दी। ओ का 15, ठीक है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग करो आंसर्स। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, EFG:HIJ, देन PQR:What? हाँ वेरी गुड, ये तो एकदम सीक्वेंस चल रहा है, PQR:ST:U चला जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले पे आते हैं। UVW:RST, देन WHAT:JKL? ए आंसर आ रहा है। यहाँ देखो, जो लास्ट लेटर है उसके बाद यहाँ का नेक्स्ट लेटर है, टी के बाद यू आता है, तो यहाँ पे एल आ रहा है, एल के बाद क्या आता है? एम आता है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, AB:FG, देन WHAT:RS? हाँ WX:RS, सिंपली ऐड कर दो कितने लेटर्स आगे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखो अरेंज कर रहे हैं यहाँ लेटर्स को, सुप्रिया का टी, हिमानी का सी, इसमें कंफ्यूजन हो गया? क्या कंफ्यूजन हो गया? ए का लेटर है 1, इसका है 6, ठीक है, आर का होता है 18, यहाँ पे कितने का गैप है? 5 का, तो यहाँ पे भी कितने का कर दो? 5 का, 23rd लेटर आपका W होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देख लो कैसे अरेंज किया हुआ है यहाँ पे, आप बताओ इसका आंसर। Close:Close ऐसे लिखा है, तो ये तो सिंपल दिख रहा है, फटाक से बताओ। वेरी गुड, जस्ट उल्टा कर दिया है, फर्स्ट लेटर गोज हियर, यहाँ पे लास्ट पे आ गया, सो CATCH, कैच। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। अभी तक तो आपको पता था ना कि किसमें क्या लगना है, अब आपको नहीं पता रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, आपको नहीं पता है यहाँ पे एंटोनिम लग रहा है, सिनोनिम लग रहा है, क्या लग रहा है? चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है एनोलॉजी की, इसमें आपको डाइवर्सिफाइड नॉलेज चाहिए होता है, खाली इंग्लिश का ही नहीं, आपको स्पोर्ट्स की भी नॉलेज चाहिए, जीके की भी चाहिए, प्लेसेस की भी चाहिए। ठीक है, एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए,
वोकैब भी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एनालॉजी क्वेश्चन सही से कर पाओगे। चलो, मेंडेसिटी इज टू ऑनेस्टी, सी आ रहा है आंसर। पहले ये बताओ एंटोनिम है कि सिनोनिम। एंटोनिम्स का है ना मेंडेसिटी मतलब लाइंग होता है, ऑनेस्टी मतलब सच बोलना। हाँ, सो करेजियस इज टू क्रेवन, क्रेवन मतलब डरपोक, ठीक है। नेक्स्ट चलो देख लेते एक बार। हाँ, ए एफ आई इज टू एम, देन ए डी डी इज टू इज इक्वल टू एल, देन ए बी ए इज टू वॉट, यहाँ पे इज इक्वल टू डी। ए एफ आई इज टू एम इज इक्वल टू एम, ए एफ आई ये है आपका अंडर रूट में, बी आ रहा है आंसर। ओके, और किसी का आंसर? वेरी गुड। ये देख लो, 169, 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, और 13th लेटर हमारा कौन सा है? एम। सिमिलरली 121 का अंडर रूट कितना होता है? 11। 11th लेटर कौन सा है? ए। वेरी गुड। नेक्स्ट, पैथोलॉजिस्ट इज टू डिजीज एंड फाइकोलॉजिस्ट इज टू व्हाट? फाइकोलॉजिस्ट और माइकोलॉजिस्ट लिखा होता तब क्या होता आंसर? एलगे आ गया सबका। वेरी गुड। अगर माइकोलॉजिस्ट होता तब? माइकोलॉजिस्ट, हाँ, फंगस का हो जाता। वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्राइट, अच्छा चलो ये एंटोनिम सिनोनिम नहीं है, ये वर्ड्स का रीअरेंजमेंट है, हो रखा है यहाँ पे। ब्राइट इज टू दिस, देन व्हाट इज टू दिस? दीपक का आंसर ए आ रहा है, ब्यूटीफुल। ओके, और लोगों का जाने दो। यहाँ पे देख रहे हो, +5 -5, +5 -5, इसकी सीरीज चल रही है, +5 -5 की, विच मीन्स यहाँ पे जो लेटर आया है इसका -5 वाला हिस्सा आना चाहिए। जी का -5 मतलब बी से ही शुरू होगा कोई, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब आप नेक्स्ट लेटर देख लो, उसी से आपका पूरा आंसर क्लियर होने वाला है। यहाँ से -5 किए थे तो इसमें हम +5 कर देंगे, तो जेड मतलब 26, 26 में +5 करेंगे तो क्या 31 चला जाएगा? नहीं ना, फिफ्थ लेटर आएगा। फिफ्थ लेटर क्या होता है? ई होता है। आपको आगे देखने की ही नहीं जरूरत है, बस आंसर इज ए। तनुजा का भी आ रहा है, नंदिनी। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ब्यूटीफुल। बोट इज टू ओर, देन बाइसिकल इज टू वॉट? ए आ रहा है, पेडल। ओके, ओर पता है क्या होता है? वो जो चप्पू नहीं होता है जिसे बोट चलाते हैं हम लोग, कुछ ऐसा सा होता है। हाँ, तो बोट को चलाने के लिए ओर की जरूरत पड़ती है, बाइसिकल को चलाने के लिए पेडल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम इज टू बॉक्साइट, देन आयरन इज टू वॉट? एल्यूमिनियम का ओर है यहाँ पे, बॉक्साइट क्या है उसका? ओर है, ठीक है। आयरन का आ रहा है, हेमाटाइट आ रहा है, हिमानी का आंसर। ओके, हाँ, वेरी गुड। अच्छा बता सकते हो पाइराइट किसका ओर है? तीनों का बताओ फटाफट। ए का आंसर लिखो, ऐसे ऑप्शन लिख देना। ए का क्या होगा, बी का और सी का? पाइराइट किसका ओर है? फूल्स गोल्ड बोलते हैं इसको, सुना होगा नाम। इतना ऐसा चमकता है ये कि लगता है कि सोना है, फूल्स गोल्ड। और पायराइट में भी आयरन पाया जाता है, बट वो बेसिकली आयरन का ओर नहीं होता, इससे कुछ और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या? सल्फर। हाँ, वेरी गुड, सल्फर, मेजर सल्फर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलो मैग्नेसाइट का बताओ, मैग्नेसाइट किसके? तो नाम से ही क्लियर है। अब देखते हैं आप लोग क्या बोलते हो, मैग्नीज बोलते हो कि मैग्नीशियम? मैग्नीशियम, ओके। और नेक्स्ट है पायरोलुसाइट, इसका बताओ। पायरोलुसाइट इज ऑफ
मैग्नीज़। अच्छा नंदनी, हाँ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, मैसन इज टू वॉल देन कारपेंटर इज टू, वेरी गुड। मैसन जो है मिस्त्री दीवार बनाता है, तो बड़ी हमारा चेयर बनाता है। विजिटर इज टू इनविटेशन देन विटनेस इज टू व्हाट, अब ये बताओ। डी आर आई डॉक्यूमेंट, ओके डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। सपीना का मतलब पता है किसी को? इसका आंसर ए होगा ऑप्शन। ये होता है एक तरीके का फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि विटनेस विटनेस लेके प्रेजेंट करता है ऐसा, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से बता सकते हैं कि ऑर्डर होता है, रिटन ऑर्डर फॉर अटेंडिंग एनी कोर्ट, विटनेस के लिए होता है ये। हाँ रिटन ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है ये, ठीक है। डब्ल्यू टी इज रिलेटेड टू क्यू एन इन द सेम वे एफ सी इज रिलेटेड टू वॉट। नंबर्स तो मैंने लिखी दिए हैं, दिख ही रहा होगा आपको क्या पैटर्न बन रहा है। एमजे, ओके कैसे बी आ रहा है एमजे? यहाँ पे देखो -6 हो रहा है ना, ये तो यहाँ भी -6 हो रहा है। ये एफ है 6, तो 6 में से -6 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, विच इज 26 भी बोल सकते हैं, तो फिर उसको है ना। 26 लेटर कौन सा होता है? जेड होता है ना, यहाँ पे आएगा 23 विच इज डब्ल्यू। हाँ सी है हिमान की, वेरी गुड। नेक्स्ट, मोर इज रिलेटेड टू ई ओ आर एम इन द सेम वे सूट इज रिलेटेड टू वॉट। कैसे अरेंज किया है देख लो आप। फर्स्ट लेटर लास्ट पे आ गया, चलो ये और ये हो सकता है आंसर, ठीक है। सेकेंड लेटर सेकेंड पे ही रह गया, सो सेकेंड लेटर सेकेंड पे ही रह जाएगा। डी इज द आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं आपके नंबर्स वाले। 7544 इज टू 5322 इन द सेम वे दिस। अरे नंबर्स क्यों गंदे नंदनी, ध्यान से देखो, बहुत आसान पैटर्न बन रहा है इसमें, दिख रहा है साफ साफ। देखो 7544 5322, डिफरेंस कितना लग रहा है? 7 5 का 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। आंसर बताओ फटाफट। टू फोर फाइव वन, हाँ 2451 होगा यहाँ ऑप्शन में ना, ये होना चाहिए, ठीक है। 4673 में से 2222 माइनस कर दो तो आपका आ गया 2451। हाँ ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी थी, यहाँ पे 5 रख लो। नेक्स्ट, 32:24 देन 8:what, सॉरी 32:24:8, ये आपका एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है, तो इस तरीके का पैटर्न और किसमें बन रहा है ये बताना है। 32:24:8 देन इन द सेम वे सुप्रिया का आंसर सी आ रहा है, 16:8:4। ए आ रहा है दीपक का। देखो अगर आप मल्टीप्लीकेशन का कर रहे हो तो 8:3 है और 8:4 है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है 8:3:4 वाला, तो एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। 32 और 24 में कितने का गैप है? 8 का। 24 और 18 में कितने का गैप है? 16 का। 8 और 16 का गैप, तो यहाँ पे देखो 8 का गैप है, लेकिन यहाँ भी 8 का, यहाँ पे 8 का गैप है और 0 और 16 में 16 का गैप है। ओके डी आंसर आ रहा है, 16:2:2। डी कैसे आ रहा है? चलो डी जिसका आ रहा है अपना माइक ऑन करके मुझे बताओ कि डी कैसे है। एक सेकेंड,
बताओ मैम, उसमें 8 और 16 का जो गैप आ रहा है वो 8 का डबल 16 हो जा रहा है, और यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा, जो गैप दोनों के बीच में आ रहा है. 16 और 32 माइनस करेंगे तो 16, और 32 और 64 आप ये ट्रिक भी लगा सकते हो. वेरी गुड. 32:24:8 इनका कहना है कि 64:32:16 है, इसका गैप 16 है, इसका गैप 32 है, तो 16:2:32 है. और यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, यहाँ 8 का गैप है, यहाँ 16 का गैप है, तो 8:2:16 होता है. ठीक है, आप जो कह रहे हो सही है, आई अग्री विद दैट. लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है कि पैटर्न वही बनाना है जो इसमें बन रहा हो. अगर उस तरीके के पैटर्न कोई ऑप्शन में दिया है तो हम लोग पहले उस ऑप्शन पे जाएंगे. अगर वो नहीं दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता, तब हम सेकंड ऑप्शन ढूंढते, सेकंड तरीके की पैटर्न समझते. ठीक है, 4 का मल्टीपल 4:2:8 है, 4:6:24 है, 4:8 है, फिर यहाँ पे ना 4:8:32. नहीं मैम, ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऊपर जैसे दिया है 4 का टेबल बोलियो, क्या कहते हैं, 4 1 4 हो गया है, 4 2 8 हो गया, 8 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को, अरे नहीं इधर बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए. हाँ वैसे लेकिन 16 ही मतलब ऑप्शन डी ही आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है, इसी पैटर्न से आप लोग कर रहे हो क्या, 16 और 32 वाले से, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ बन रहा है ना -8 और -16 का, आपको वो सेम पैटर्न यहाँ देखने को मिल जा रहा है. अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि यह माइनस कितना है 8 और यहाँ पे है 8 इधर और 16 इधर, अगर उसी तरीके का कुछ पैटर्न यहाँ दिखता तब हम मान सकते थे. यहाँ पे डबल वाला बन रहा है सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट 27:9 देन व्हाट इज 281. चलो ये बताओ, इसमें भी आपके आ सकते हैं मल्टीपल आंसर्स. सी आ रहा है. वेरी गुड. इसमें दो ट्रिक लग सकती है फिर से. आंसर इसका बेसिकली सी हो सकता है, 9:3 तो 81:3. लेकिन एक चीज और देखो, 27 और 9, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27. इन द सेम वे 81 और डैश, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब होता है 729. आपका 729 भी ऑप्शन में दिया हुआ है. ठीक है, दो दो ट्रिक्स लग सकती है यहाँ पे. अगर कोई एक ऑप्शन में नहीं होता तो सेकेंड वाला आंसर आपका सही हो जाता. चलो नेक्स्ट, 223:324 देन 554:2 व्हाट. जब से अजीब से नंबर दिए हो ना तो पहले फटाफट माइनस और प्लस करके देख लिया करो. आंसर ही मान गए हम तो उसमें सी मानेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए. अब दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि फिर वो क्या मान रहा है. हाँ इसका बताओ, वेरी गुड, 101 ऐड कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट 15:27:39, तो नेक्स्ट थ्री नंबर्स विल बी देखो, पहली बात तो ये तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका ये आंसर तो हो नहीं सकता और ये आंसर तो हो नहीं सकता, बचे दो. और क्या पैटर्न बन रहा है देख लो, +12 हो रहा है और +12 हो रहा है, तो इसमें +12 कहीं हो रहा है नहीं, +12 तो हो नहीं रहा. चलो ठीक है, अब अगर +12 नहीं हो रहा है तब हम सेकंड पे जाएंगे कि प्लस कोई सेम नंबर हो रहा है. तो यहाँ देखो +20 हो रहा है, +20 हो रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता 105, 117 और फिर 129, ये भी एक ऑप्शन दिया होता, तब बताओ कौन सा आंसर मानते. तब हम लोग ई मानते, क्योंकि पैटर्न मोस्ट सिमिलर पैटर्न तो यही है. ठीक है, सेम नंबर तो ऐड इसमें भी हो रहे हैं. चलो नेक्स्ट, 100:2, ये तो फटाक से बता दो, 100:121 देन 144:2 व्हाट.
सी, वेरी गुड. 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, सो 13 का स्क्वायर, 169. नेक्स्ट, 583 इज टू 488, देन 293 इज टू व्हाट? थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ये. देखो पहले माइनस करके देखो, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना आपको यहाँ पे, उससे कम तो दिया नहीं है कहीं. ठीक है, तो 388. अच्छा, नहीं आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया. 95 कौन सा, इसी कहाँ से बता रहे हो आप? फाइव प्लस एट प्लस थ्री सिक्सटीन, फोर प्लस एट प्लस एट, ठीक है 20. चलो ठीक है, इसका करो टू प्लस थ्री प्लस नाइन 14. यहाँ पे कितने का गैप है? फोर का. यहाँ पे कितने का हो सकता है? 18. कोई आ रहा है किसी में से? 18 देख लो, चेक कर लो फटाफट. 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, इसमें तो नहीं है. 9 1 10 2 12, इसमें भी नहीं है. 10 और 18 ऑप्शन नंबर सी. देखा कितना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ गया इसमें. कैसे किया हमने? 5 प्लस 8 प्लस 3 कितना होता है? 16 होता है. 4 प्लस 8 प्लस 8 कितना होता है? 20 होता है. दोनों का डिफरेंस कितना है? 4. इन द सेम वे 2 प्लस 9 प्लस 3 कितना है? 14. तो अगले में इसमें 4 ऐड कर दो तो आना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स 18. हाँ हिमांगी, ट्रिकी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 8 इज टू 28, देन 15 इज टू व्हाट? एट 28 15 65. ओके, 8 इंटू टू 16 होता है. यहाँ पे इंटू टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 आएगा, और यहाँ भी वही दिया हुआ है. ठीक है, सो 15 इंटू टू कितना होता है? 30. 6 इंटू फाइव भी कितना होता है? 30. हाँ, बी इज द आंसर. अब नंदनी का आ रहा है डी. नंदनी डी कैसे है आपका? अपना रीजन बताओ, मुझे तो यही रीजन समझ में आ रहा है, आप बताओ. मेरा ट्रिक समझ है. हिमानी आपका क्या ट्रिक था? आप अपना ट्रिक बताओ, आपका भी तो आंसर 65 आया था. चलो मैं अपना बताती हूँ. बार देखो, 8 28, 2 इंटू 8 कितना होता है? 16. और ये जो डिजिट है इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 16. दोनों सेम है. इन द सेम वे 15, 15 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 30, और यहाँ पे है 65. अगर इनके डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 30. ठीक है, ट्वेंटी एट माइनस एट 20 होता है. ओके, हाँ तो हिमानी आपका नहीं समझ आया मुझे, आपने कैसे किया? आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. हाँ एक सेकेंड, ठीक है. यूएसए इज टू कांग्रेस, देन ईरान इज टू व्हाट? अब समझ में आ रहा होगा आपको. मैजलिस, ओके वेरी गुड. इसका मतलब आपको पता है कि पार्लियामेंट्स का नाम क्या है. चलो कॉर्टेस का बताओ, कॉर्टेस कहाँ को कहते हैं? डेनमार्क. ओके, स्टॉर्टिंग और एल्थिंग तीनों का बताओ. एल्थिंग का बताओ. कॉर्टेस स्पेन का भी है शायद. एल्थिंग आयरलैंड का है कि आइसलैंड का है? आइसलैंड ना. और स्टॉर्टिंग ये सब स्कैंडिनेवियन नेशंस का ही है. स्टॉर्टिंग का भी है शायद, नॉर्वे का है ये. ठीक है चलो, जातीय संसद कहाँ का है बताओ. जातीय संसद शोक डू,
जाति संसद का बताओ पहले कहां पे है? बांग्लादेश, वेरी गुड. शोगड़ू कहाँ का है? शोगड़ू भूटान का है, वेरी गुड. कुछ कंट्रीज के पता होने चाहिए. चलो 43:57 देन 111:1 व्हाट? एडिशन की तो ट्रिक लगेगी नहीं इसमें, 14 ऐड करने पे तो जो आना चाहिए वो तो दिया नहीं ऑप्शन में, तो कोई और ट्रिक लग रही है इसका मतलब. अब दिमाग लगाओ. श्रद्धा का सी आ रहा है. ओके और बताओ. नंदनी का भी सी आ गया, 134. चलो अपनी ट्रिक बताओ नंदनी आप, मेरी तो कोई और ट्रिक है, आप बताओ. श्रद्धा आप ही बताओ, कोई बताओ ट्रिक. मैम एडिशन कर देंगे डिजिट्स का, 4+3 7 और 5+7 12, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है तो 1+1+1 3 और 134 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर से 5 का डिफरेंस. ओके वेरी गुड. एक ट्रिक और देख लेते हैं तब. 43 है ना, इसको लिख सकते हो 7 × 6+1, ठीक है. 57 है, इसको लिख सकते हो 7 × 8 56+1, समझ गए. 111 है, इसको लिख सकते हो 11 × 10+1, तो अगला आना चाहिए. देखो यहाँ पे दो का डिफरेंस था, 11 × 12+1, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 133 हो जाएगा फिर. अब आप लोग देखो आपको कौन सा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नो डाउट. चलो नेक्स्ट. अब वो एग्जामिनर का लॉजिक है कि वो आपको किस लॉजिक पे नंबर दे रहा है. पावर इज टू व्हाट द सेम वे, यूनिट का खेल है यहाँ पे, तो बताओ. दीपक का डी आ रहा है, वर्क इज टू जूल, हाँ वेरी गुड. ये किसकी यूनिट होती है मो, ये बताओ. मैम इसका ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है. भाई तो मैंने पूछा मो किसकी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है बेटा, ठीक है. मो किसकी यूनिट होती है मैम? कंडक्टिविटी की होती है, सॉरी सॉरी. ना ना ना, चलो ये आप पता करके बताना, ठीक है. रेजिस्टिविटी की होती है शायद, देख लेना एक बार. चलो 9143:9963 देन 6731 व्हाट? देखो एडिंग वाला सिस्टम तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 800 समथिंग ऐड किया है और इसमें 800 समथिंग ऐड करने पे 7000 आना चाहिए कुछ, यहाँ पे तो 7000 है नहीं. कंडक्टेंस की चेक कर लेना एक बार, ठीक है. इसका आंसर बताओ फटाफट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की ही यूनिट है, वेरी गुड. सी आंसर आ रहा है, 8964. ओके सबका सी आ रहा है, ठीक है. 9143, सो चलो इसको डिजिट्स को ऐड करते हैं. 9+1+4+3 ऐसे ही किया आप लोगों ने, 1017, ठीक है. 9963 9918+27, ठीक है. 6731 10 और 17 सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जिसका डिजिट का सम 27 आएगा वही आंसर होगा. तो आप लोग का आंसर क्या है? सी. चलो चेक कर लेते हैं, 17+27, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. KLMN, IJKL, in the same way, TUVW is to what?
अब देखो पहले के दो डिजिट्स आखिरी में चले जा रहे हैं, तो पहले के दो डिजिट्स आपको सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है इसको। अरे मैंने तो आंसर बता दिया, तब भी आप लोग का आंसर गलत आ रहा है। हाँ देखो KL, पहले के दो डिजिट्स आखिरी में चले जा रहे हैं, तो जो भी पैटर्न बनाओगे यही होने वाला है, पहले के दो डिजिट्स लेटर्स आखिरी में चले जाएंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इज टू वायरस, देन रिंग वॉर्म इज टू व्हाट? वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, तो रिंग वॉर्म किससे होते हैं? डिजीज, फंगल डिजीज है ना। रिंग वॉर्म एक तरह, आप वॉर्म पे मत चले जाओ कि रिंग वॉर्म क्या होता है, ये डिजीज कौन सी है। अच्छा चलो ठीक है, एक ऐसी डिजीज बताओ जो प्रोटोजोआ से होती है। बताओ फटाक से, ये तो बहुत ही कॉमन डिजीज है। हाँ मलेरिया। 103 इज टू 10609, देन 106 इज टू व्हाट? डी आर आंसर। ओके वन, अच्छा ये आ रहा है नंदनी का सी। हाँ श्रद्धा बोलो। मैम इसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है आई थिंक। अच्छा लास्ट में 9 आए, इस वजह से आंसर आ जाने दो ऑटो के। सी आ रहा है ओके और तनुजा का आया है, नंदिनी का आया है। ठीक है, तो सिंपल था, श्रद्धा ने बताया स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। LMNO, NQTW। अब इसमें वो ट्रिक नहीं लगा सकते, यहाँ पे एन एन कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड पे जो है वो फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे जो थर्ड पे है वो फर्स्ट पे होना चाहिए, तो फर्स्ट पे तो तीनों में है। आई आई आई, अब बताओ। नंदनी का आंसर ए आ रहा है। ओके ओके, प्लस टू, प्लस फोर, प्लस सिक्स, प्लस एट। ठीक है, तो ऐसे ही जी एच आई जे, जी मतलब 7, तो प्लस 9, यहाँ पे 9 आएगा, आई तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस 4 करेंगे, इसका नंबर होता है 8, 8 प्लस 4 आना चाहिए 12, 12 मतलब एल। ओके दोनों में एल दिया हुआ है, लास्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ पे 8 ऐड करना है, 18 आना चाहिए, 18 होता है किसका? आर का। वेरी गुड, आंसर इज ए। ठीक है नेक्स्ट, 234 इज टू 9, देन 136 इज टू व्हाट? फटाक से बताओ। ए आ रहा है ओके वेरी गुड। 2 + 3 + 4 इज 9, सो 1 + 3 + 6 विल बी 10। वेरी गुड नेक्स्ट, 84 इज टू 51, देन 72 इज टू व्हाट? चलो अब दो क्वेश्चंस बचे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये घर से ट्राई करना, एक ये है और एक ये। ठीक है दोनों को ट्राई करना, बहुत आसान आसान है सब, एटलीस्ट कुछ तो लेके जाओ होमवर्क के लिए। और आपको ये वीडियो मिल जाएगी, इसकी PDF मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। कल हमारी अगली क्लास है वर्बर एनालॉजी की क्लास 2। आज तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ाया और केवल 30 क्वेश्चंस लिए थे, कल से 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। और उसके पहले तो मिलेंगे ही शाम को 4 बजे वाली क्लास में, CDS और FCAT के बच्चों के सब लोग साथ में रहोगे, जब कल परसेंटेज की क्लास 2 रहेगी वहां पे, और कल रात में 8:30 बजे।
अब आप लोग जाओ खाना वाना खाओ, अगर नहीं खाया है तो फिर ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीवन।